हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम एक ब्रिंजल के प्लांट का ट्रीटमेंट करेंगे। कैलेंडुला होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक के बारे में एक वीडियो में मैंने पहले इसके बारे में बताया था। ये देखिए, मेरे इस प्लांट में नीचे छोटे छोटे एफिड्स का अटैक हो गया है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये मोस्टली अंडर साइड ऑफ लीव्स जितने भी पेस्ट हैं ये अटैक करते हैं। ये देखिए, इस लीफ के नीचे देखिए कितने सारे पेस्ट हैं। एक ही लीफ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने अटैक कर रखा है। जो यंग लीव्स होते हैं ना नीचे की तरफ, उन पे इनका अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो इनका काम होता है ये लीव्स के जूसेस को सक करते हैं, तो यंग लीव्स में जो जूस ज़्यादा रहता है इसलिए ये यंग लीव्स पे इनका अटैक भी ज़्यादा रहता है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मीली बग्स का भी अटैक होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये मीली बग्स जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ये मीली बग्स हैं। तो एक ही प्लांट में मीली बग्स का, स्पाइडर माइट्स का, एफिड्स का अटैक हो रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, कैलेंडुला मदर टिंचर। मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ इसलिए मैंने इसको छोटी बोतल में ट्रांसफ़र किया हुआ है। अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो जैसा आपको पिक में ऊपर छोटा दिखाई दे रहा है ऐसी पैकिंग में मिलेगा। साथ में हम लेंगे 1 लीटर पानी, उसमें इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डाल देंगे कैलेंडुला मदर टिंचर की। ये ऑल इन वन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का भी काम करता है। बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक है, प्लस इसको नीम ऑयल सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। अब कैलेंडुला मदर टिंचर की 10 से 15 ड्रॉप्स डालने के बाद पानी में इसे अच्छे से शेक करेंगे स्प्रेयर बोतल को। अब हम इसे पूरा इसको भिगो देंगे, सारे के सारे लीव्स को। शावर की स्पीड आपने इतनी रखनी है, लाइट ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि इस पर फ्लावरिंग हो रखी है। अगर हम तेज़ जेट से स्प्रे करेंगे तो जो सारे फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे झड़ के, और फिर जो हमारी इतनी मेहनत है 3 महीने की वो बेकार हो जाएगी। एक आपने इसको लीव्स की अंडर साइड पर ज़रूर स्प्रे करना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको पेस्ट या इंसेक्ट दिख रहे हैं वहाँ पे आपको स्प्रे करना है। इंसेक्ट्स के या पेस्ट के ऊपर स्प्रे होना चाहिए। इसमें इसको यूज़ आप कर सकते हैं हर 15 दिन में, जैसे आप नीम ऑयल यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि प्लांट्स में कोई पेस्ट वगैरह अटैक ना करें। एक्चुअली नीम ऑयल की क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो कई बार हमारे जो लीव्स हैं वो जल जाते हैं, बेकिंग सोडा से हमारे लीव्स जो हैं वो जल जाते हैं। लेकिन ये टोटली होम्योपैथिक है, ऑर्गेनिक है। अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो आपके लीव्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इनफैक्ट आपके लीव्स को, आपके प्लांट को, स्टेम्स को, सबको हील करेगा। बिकॉज कैलेंडुला इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट हीलर विच नेचर हैज़ गिवन टू अस। तो इसे ऊपर कोई हीलर नहीं है, जैसे ये हम लोगों में स्किन को हील करता है, हमारे ज़ख्मों को हील करता है, वैसे ही ये प्लांट्स को हील करता है। तो ये पेस्ट को हटाने के साथ साथ आपके प्लांट को एक स्ट्रेंथ, एक फीलिंग, एक चमक भी देता है, हीलिंग करता है। और दूसरी बात ये है कि इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। सिंपली आप 1 लीटर पानी में 10-20 ड्रॉप्स डालिए और स्प्रे कीजिए। कोई आपको बीच में साबुन डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेकिंग सोडा एज एन एडिशनल प्रिकॉशन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ सफिशिएंट है। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं रिजल्ट के साथ। ये देखिए, कल हमने इनके लीव्स के नीचे छोटे छोटे ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स देखे थे, आज देखिए मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, एक भी पेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, मैं अभी आपको ऑलमोस्ट सारे लीव्स चेक करवा रही हूँ। ये देखिए, जो एक आधा साथ में चिपका भी हुआ है ये मर चुके हैं, तो ये अपने आप ही झड़ के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, जब ये पेस्ट जो हैं
ये लाइव होते हैं तो इनको आप ऐसे हैंड से रब करते हो ना, तो ये नीचे नहीं गिरते। लेकिन जब ये मर जाते हैं पेस्टिसाइड के स्प्रे के बाद, तो ये इजीली हाथ से या तो अपने आप ही झड़ के नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको सारे लीव्स ऑलमोस्ट चेक करवाती हूँ, कहीं पे भी। और नीचे के लीव्स में मैंने आपको दिखाया था कि ज़्यादा अटैक था। अब मैं आपको नीचे के लीव भी चेक करवाती हूँ। देखिए, कहीं पे कोई भी पेस्ट नहीं है नीचे वाले लीव्स में भी। ऊपर के भी सारे लीव्स में कहीं पे आपको कोई पेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। नाइन्टी टू 95% जो ट्रीटमेंट है उसने काम किया है, और एक ही एप्लीकेशन में काम किया है। मतलब नीम ऑयल तो आपको अगर कहीं पे अटैक हो जाता है पेस्ट का, तो मिनिमम आपको 3 दिन तक स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके पेस्ट रिमूव होते हैं। ठीक है, इसकी ये नीम ऑयल का जितना रिजल्ट 3 दिन में आता है, होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक से एक ही दिन में उतना रिजल्ट आ गया। देखिए, 95% तक जो पेस्ट और इंसेक्ट हैं वो रिमूव हो चुके हैं। हाँ, एक दो जो, ये देखिए, एक दो ये जो साथ चिपका हुआ है, एक आधा ये भी मर चुके हैं। ये देखो, हाथ से मैंने ऐसे किया तो ये नीचे गिर गया, दैट मीन्स ये मरा हुआ इंसेक्ट साथ में चिपका था। ठीक है जी, अब 95% तक हमारी क्योर हो चुकी है, तो हमें सेकेंड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वैसे तो एक एप्लीकेशन में ही इतना रिजल्ट अचीव हो जाता है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेयरली इन्फेस्टेड है आपका प्लांट, तो आप सेकेंड एप्लीकेशन सेम वे से नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, जो मरा हुआ एक आधा इंसेक्ट साथ में चिपका भी होगा, वो आप प्लेन वाटर जेट से स्प्रे करेंगे तो उससे भी रिमूव हो जाएगा, या हवा के साथ कुछ दिनों में अपने आप ही झड़ के रिमूव हो जाएगा। ये मैं फिर से आपको एक बार नीचे वाले लीव्स दिखाती हूँ, क्योंकि कल जो पेस्ट अटैक था वो ज़्यादा मैंने आपको बताया था नीचे वाले लीव्स में होता है। ये देखिए, क्लोजअप देखिए आप, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, नीचे वाले भी किसी भी लीफ में कोई भी इंसेक्ट नहीं बचा। तो ये है पावर ऑफ होम्योपैथिक की, जो काम नीम ऑयल 3 दिन में करता है वो होम्योपैथी 1 दिन में कर देती है। प्लस बहुत ही इजी टू यूज़ है। और एक इसका प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताती हूँ कि फ्लावरिंग टाइम पे जब प्लांट्स पे फ्लावर लगे होते हैं, तो कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे करना मना करते हैं, क्योंकि उससे जो फ्लावर्स हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। कल हमने सॉफ्ट जेट से स्प्रे किया था, तो देखिए आप, सारे के सारे फ्लावर्स एज इट इज़ लगे हुए हैं। ठीक है, एक भी फ्लावर झड़ के नीचे नहीं गिरा। तो इसको हम फ्लावरिंग टाइम पे भी स्लो जेट से स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल अगर हम स्प्रे करते तो ये सारे फ्लावर्स जो थे वो झड़ के गिर जाते, और फिर हमारे इस पे जो थे वो बैंगन नहीं बनते। मैं आपको देखिए रोटेट करके दिखा रही हूँ, फोर सारे के सारे फ्लावर्स एज इट इज़ लगे हुए हैं। ऊपर की साइड भी देखिए, कोई भी कीड़ा नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है कि कैसे होम्योपैथिक ऑल इन वन जो पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, एक ही एप्लीकेशन से उसने 90-95% ऊपर और नीचे लीव्स के दोनों साइड से जितने भी पेस्ट थे सारे एक ही एप्लीकेशन में रिमूव कर दिए, और कोई लीफ बर्न नहीं हुआ। देखिए, सारे लीव्स एज इट इज़ हेल्दी हैं, बल्कि ये कल से ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो ये पोस्ट ट्रीटमेंट पिक्चर है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। कोई इसके लीव्स बर्न नहीं हुए, कोई इसकी फ्लावर्स जो थे वो झड़ के नहीं गिरे, और पेस्ट सारे रिमूव हो गए, और पौधे में उल्टा एक अच्छी सी हेल्दी सी शाइन आ गई। तो
मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें कि कैसे हम होम्योपैथी की हेल्प से अपने आप को और अपने प्लांट्स को हेल्थी रख सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।